हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने टिकटॉक के फॉलोअर्स और फॉलोइंग को कैसे हाइड कर सकते हैं। गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि टिकटॉक के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं है फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग को हाइड करने के लिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने फॉलोइंग और फॉलोअर्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपने अपने टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद गाइज आपने सिंपली यहां से मी के ऊपर टैप कर देना है। इसके ऊपर टैप कर देने के बाद गाइज अब यहां पर आपने इन 3 डॉट्स के ऊपर टैप करना है और यहां पर आपने प्राइवेसी एंड सेफ्टी में चले जाना है। सही है गाइज? तो गाइज अब यहां पर आपने अपने अकाउंट को प्राइवेट करना पड़ेगा क्योंकि फॉलोइंग और फॉलोअर्स को हाइड करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं है, तो उसका एक ही हल है कि आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर दो। सही है गाइज? तो यहाँ से अगर आप अपने अकाउंट को प्राइवेट करोगे उसके बाद कोई भी आपके फॉलोइंग या फॉलोअर्स को नहीं देख पाएगा। गाइस अकाउंट को प्राइवेट कर देने के बाद अगर कोई आपको फॉलो करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप उसको अप्रूव करते हो तभी वो आपके फॉलोअर में ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही है गाइस? तो इसके अलावा गाइस प्राइवेट अकाउंट के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है कि कोई फिर आपके वीडियोज़ को डाउनलोड भी नहीं कर पाएगा, मतलब उसके पास डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आएगा। सही है गाइस? तो गाइस आप इसी तरह अपने फॉलोइंग और फॉलोअर्स को हाइड कर सकते हैं टिकटॉक एप्लीकेशन के अंदर। गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।